वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है अहोई अष्टमी, तो हम लोग जैसे कि बताया सभी लेडीज इस दिन फास्ट रखती है अपने बच्चों के लिए, तो हमने भी रखा है और मैंने मम्मी ने दोनों ने फास्ट रखा हुआ है। तो बस हमारा काम वगैरह जो है वो सब कुछ हो चुका है। मैं भी नहाई आई हूँ, नहा के बस अभी भी आई हूँ जस्ट, और बाल धोए हैं तो अभी गीले हैं, अभी बांधे हुए थे मैंने टॉवल से। अब इनको फटाफट से सुखाऊंगी, उसके बाद मैं रेडी होऊंगी क्योंकि तैयार होना है कथा का। जो आज टाइम है वो हमारा 12:30 बजे का है, और जो कथा होती है वो हम सब लोग साथ में ही मिलकर सुनते हैं। करवा चौथ की भी, ओही अष्टमी की, जितनी भी कॉलोनी की लेडीज होती हैं, आंटियाँ होती हैं, सब साथ में मिलकर कथा सुनती है एक घर में। तो पहले तो हमारे घर में ही होती थी, पर इस साल हमने थोड़ा चेंज कर दिया। हमने पड़ोस में एक आंटी है उनके घर पे रखती, तो उनके घर में थोड़ा बाहर खुला चौक है ना, तो अच्छे से सब लोग एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे होने को तो यहाँ भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब की बार हमने वहीं पर कर दी क्योंकि थोड़ा अलग अलग सबके घर होनी चाहिए तो अच्छा लगता है ना। एक ही जगह होती रहे तो थोड़ा सजीव सा लगता है। सबके घर में हो अलग अलग हर बार बार तो अच्छा लगता है, ऐसे सबके घर जाने का मौका भी मिलता है। तो बस अभी हमें फटाफट से रेडी होंगी, और आज मैं साड़ी नहीं बांधूंगी, आज मैं पहनूंगी ड्रेस अपनी। एक मैं लाई हूँ ड्रेस, मैं हर बार साड़ी ही पहनती हूँ होली पे भी, लेकिन इस बार मैंने साड़ी कैंसिल करके ड्रेस ले ली है। ड्रेस पहनूंगी मैं, स्कर्ट और टॉप, तो वो पहनना है मुझे। तो फटाफट से बस मैं अपने बालों को सुखाती हूँ। ड्रायर लाना मैं भूल गई, तो इसलिए मुझे ये ऐसे ही सुखाने पड़ेंगे पंखा चलाकर। और ठंड भी हो रही है, और ठंड के साथ साथ ठंड भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है क्योंकि ये पोल्यूशन हो गया है इतना ज्यादा ना। पोल्यूशन की वजह से गर्मी भी लगती है और ठंड भी लगती है, तो दोनों ही काम हो रहे हैं नवंबर के महीने में। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाती हैं। और हाँ, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को, पूरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। तो चलो फटाफट से रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हो आप लोग। ये मैंने अपनी शादी की चुन्नी लगाई है अपने ड्रेस में। मेरी ड्रेस प्रॉपर अच्छे तरीके से बाद में दिखाऊंगी। तो अभी हम जा रहे कथा सुनने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है तैयार होकर आ गए थे कहानी सुनने के लिए। तो बस हम यहाँ पर जो है अभी कहानी सुनने के लिए बैठ चुके हैं, और बस अब हम लोग यहाँ पर कहानी सुनेंगे ओही अष्टमी की। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजंता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति की सुख भी प्राप्त होगा। अहोई माता की जय। लल्लू बाहर, लल्लू बाहर, अंदर चल, नीचे वाले जो बड़े हैं। फोटो भी क्लिक कर दिया पर मैंने साथ में करवा कहीं का। तो हमारी जो है कथा हो गई थी और फोटो सेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया था। बस उसके बाद हम लोग पी रहे थे यहाँ पर चाय, क्योंकि चाय वगैरह जो है पी लेते हैं, तो इस वजह से बस सब बैठे हुए थे चाय पीने के लिए। तो बस अब यहाँ पर बैठ के हम चाय पियेंगे। जो बेचारा सब सुनो, देख देख के परेशान है, सब फोटो खींच रहे। इसके भी ले लिए हमने फोटो। बेटा आपकी फोटो क्लिक करे ना मम्मा ने, करे ना, लाओ और कर लेते हैं हम। और कर लिए अद्वित की फोटो क्लिक। हाँ, अच्छी लग रही मम्मा, बताओ कैसी लग रही है मम्मा? अच्छा, अच्छा लग रहा है मम्मा अच्छा लग रहा है। और दादी कैसी लग रही है? दादी कैसी लग रही है? दादी कहाँ है? अच्छी चुन्नी लग रही है, चुन्नल लग रही है भाई, चुन्नल लग रही है दादी, चुन्नल लग रही है दादी, चुन्नल चुन्नल लग रही है दादी। वो वाली दादी, वो कैसी लग रही है? अच्छा, सब अच्छा लग रहे हैं, सब अच्छा लग रहे हैं। तो बस यहाँ जो है चल रहा था फोटो सेशन, और अद्वित को बेचारे को भूख लगी हुई थी, तो वो पीछे चाबी ढूंढ रहा था। वो पीछे चाबी ढूंढ के लाया कि मम्मा चाबी मिल गई, चलो घर चलो। तो अद्वित को मैं घर लेके गई। इसके बाद में बस वैसे यहाँ पर जो है फोटो सेशन चल रहा है, जैसे हमारे कुआ पूछते हैं ना, उस तरीके का यहाँ पर फोटो सेशन करवा रही है सब आंटियाँ मिलकर। तो बस वही चल रहा था यहाँ पर फोटो सेशन, कुआ पूछने वाला फोटो सेशन चल रहा है सबका। लोटा रख रख के अद्विक देख रहा है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ, क्या हो रहा है अद्विक? भाभी अपना हाथ रख लो, आप ही सुन लीजिए। तो पता नहीं चलेगा, देख देख कैसे कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की जो पूजा है वो हो गई है, हमने कथा सुन ली है, और फोटो क्लिक सेशन भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत रह रहा है, वो भी कर लेंगे दोबारा से। और
और तो अभी अद्विक को भूख लगी थी तो मैं अभी आई घर पे अद्विक को दूध देने के लिए, और अद्विक वहां पर दूध पी रहा है। अद्विक को पिछली बार भी करवा चौथ वाले दिन भी ऐसे ही हुआ था, उसको भूख लगी थी कथा सुनते सुनते, खाना खिला के लेके गई थी फिर भी भूख लग गई, फिर भी दूध चाहिए, फिर भी दूध पी रहे हैं। और अब की बार भी इसने ऐसे ही किया, दूध चाहिए, और दूध देने के लिए मैं आ गई वापस, तो इसे दूध पिलाकर फिर जाऊंगी और जो बची हुई अपनी फोटो है वो क्लिक करवाऊंगी। तो चलो अभी शाम को खाना बनाएंगे, आज कुछ काटने पीटने वाला काम तो होता नहीं है, तो देखते हैं पता नहीं क्या खाना बनाएंगे, मैंने कुछ डिसाइड भी नहीं किया, मम्मी से पूछते हैं उसके बाद ही बनाएंगे क्या जो भी बनेगा खाने में। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करवा चौथ से ज़्यादा अच्छा आज लग रहा हूँ सॉरी लग रही हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें क्योंकि आगे जो है मैं शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, तो बस इतना ही व्लॉग आज के लिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।